ब्लैक फंगस या म्यूगर माइकोसिस के बारे में जानने के लिए वीडियो में आगे बने रहें। भारत में कोरोना के दूसरे लहर के साथ ही एक और भयानक बीमारी ब्लैक फंगस का प्रकोप फैल रहा है। ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस बहुत ही दुर्लभ बीमारी है। ये बीमारी फंगस यानी फफूंद के स्पोर्स को इनहेल करने से होती है। ये बीमारी ज़्यादातर COVID-19 से रिकवर हुए पेशेंट्स को होती है। पेशेंट्स जिनको लीवर प्रॉब्लम, डायबिटीज और जिनकी इम्यूनिटी लो है, उनको भी ये बीमारी अपने चपेट में ले लेती है। बहुत से बीमारियों की तरह इस बीमारी में भी फीवर, उल्टी, नाक बहना जैसे लक्षण शामिल हैं। लेकिन ब्लैक फंगस की चपेट में आए पेशेंट में कुछ अलग सिम्टम्स मिलेंगे, जैसे कि चेहरे पर ब्लैक फंगल धब्बे, उल्टी में खून आना, नाक से खून आना, चेहरे की एक तरफ में दर्द, चेहरे में सूजन, दांत में दर्द, धुंधला दिखना, चीजें दो दो दिखना शामिल है। CDC के अनुसार ब्लैक फंगस से बचने का उपाय में शामिल है डबल मास्क का यूज करना, एक 3-ply मास्क और एक कॉटन मास्क पहनना, फुल शर्ट पहनना, बाहर से आते ही गर्म पानी से नहाना। लेकिन जब सिम्टम्स कन्फर्म हो जाएं तो कुछ जरूरी उपाय हैं कि अगर सिम्टम्स कम हैं तो डायबिटिक पेशेंट अपना शुगर लेवल कंट्रोल में रखें, स्टेरॉइड्स का यूज कम करें, लेकिन स्टेरॉइड्स शुरू, कम या बंद करना डॉक्टर की सलाह से ही करें। जब से कोविड आया है इम्यूनिटी बूस्ट करने के चक्कर में लोग खुद से ही दवाई स्टेरॉइड्स लेके चॉकलेट की तरह खा रहे हैं। जब मन हुआ स्वाद अनुसार एक मेडिसिन ले ली। जितना ज़्यादा स्टेरॉइड्स उतने देर के लिए इम्यूनिटी डाउन रहती है, इसीलिए इसी के साथ एंटीबायोटिक कवर दी जाती है। इसके इलाज मौजूद हैं, कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी, पोसाकोनोजोल, लेकिन दवाई सिर्फ फंगस को मार देगी। फंगस ने बॉडी के जिस हिस्से को डैमेज किया है उसे सर्जरी से ही ठीक किया जा सकता है। कई पेशेंट्स के आँखें, कई पेशेंट्स के जॉबोन और कई पेशेंट्स के चेहरे के टिश्यू को निकालना पड़ा है, और चेहरे की सर्जरी कोई आम सर्जरी नहीं होती है। उसके बाद चेहरे का रंग या रूप वैसा नहीं रह जाता जैसे पहले हुआ करता था। मुंबई में एक 27 साल के लड़के की आँखें निकालनी पड़ी, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि उसे ना तो डायबिटीज थी, ना हाई प्रेशर था और ना ही कोरोना हुआ था। अगर कोई सिम्टम्स ब्लैक फंगस के हों तो तुरंत डॉक्टर से चेक करवाएं और सुरक्षित रहें। थैंक यू।